अस्सलामु अलैकुम। आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो बहुत अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे हैकर मौजूद हैं जिनको ट्रेस आउट करना बहुत मुश्किल होता है। पहले एक ज़माना था जब हैकर का ज़िक्र सिर्फ बैंक अकाउंट हैक करने तक महदूद था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की होती गई, हैकर्स की कैटेगरी में भी इजाफा होता गया। जैसे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ सर्विसेज पे अकाउंट हैक करने वाले लोगों को हैकर कहा जाता है। उसमें सबसे पहले फेसबुक है, जिस पे काफ़ी लोगों की आईडीज हैक हो जाती हैं, जिस वजह से कई यूज़र्स ने फेसबुक का इस्तेमाल कम कर दिया है। बहरहाल आज एक ऐसे ख़ास इशू को बयान करेंगे जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जिस नेटवर्क की सिम इस्तेमाल करते हैं उस पे मोबाइल अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी दिया जाता है, यानी आप उस सिम पे अकाउंट बनाकर उसमें ऐसे ही पैसे जमा करवा सकते हैं जैसे बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवाते हैं। और इसके साथ आपको अजाफी ऐसी सहूलियात भी मिल जाती हैं जिससे आपके कुछ काम बैठे बिठाए हो जाते हैं, जैसे बिजली का बिल जमा करवाना, गैस का बिल जमा करवाना, मोबाइल लोड ख़रीदना, मनी ट्रांसफ़र करना, यूटिलिटी बिल अदा करना और इस तरह के मज़ीद ऑप्शंस जो लोगों के लिए आसानी का बायस हैं। और बहुत सारे लोगों ने मोबाइल्स पे अकाउंट बना लिए हैं जिसका तल्लक सिम से होता है और उसमें ज़रूरत के मुताबिक रकम महफूज रखते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अब कुछ ऐसे हैकर्स हरकत में आ गए हैं जो लोगों के मोबाइल अकाउंट हैक कर लेते हैं। बहरहाल लोगों में इतनी आगाही तो ज़रूर आ चुकी है कि किसी को फ़ोन पे अपना अकाउंट नंबर या पिन कोड नहीं बताना चाहिए, इसीलिए मोबाइल अकाउंट हैकर ने एक नई ट्रिक अपनाई है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको एक लोकल नंबर से कॉल आ सकती है और कोई शख्स इंतहाई मुदबाना अंदाज में आपको ये बताएगा कि वो उस नेटवर्क का नुमाइंदा बात कर रहा है जिस नेटवर्क की आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी सिम पे अकाउंट है और अगर है तो क्या उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी बातों से उसे अंदाज़ा होगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो आपके अकाउंट को वेरीफाई करने की बात करेगा। अगर आप उसकी बात पे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो वो आपको अकाउंट ब्लॉक होने की वार्निंग देगा और अकाउंट वेरीफाई करने के लिए वो आपसे इल्तमास करेगा कि आपकी कॉल जब फॉरवर्ड करें तो आपने सिर्फ हेलो का लफ्ज़ बोलना है। अगर आप ये गलती कर जाते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। और इनकी दूसरी ट्रिक ये है कि जब कॉल एंड हो जाए तो आपको एक पासकोड से रिलेटेड मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जिसमें एक लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करने से भी अकाउंट हैक हो जाता है। और याद रखें कि कॉल आपको किसी भी नंबर से आ सकती है, चाहे वो कंप्यूटर से इस्तेमाल करता खुफिया नंबर ही क्यों ना हो। बस आप किसी इनकमिंग कॉल करने वाले की बातों को फॉलो ना करें, नज़रअंदाज करें और अपनी तसल्ली या मालूमात के लिए ख़ुद हेल्पलाइन पे कॉल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।